मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राज्य में हो रही अत्यधिक बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से खरीफ की फसल खासकर सोयाबीन बर्बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी दी है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अन्य जिलों जैसे भोपाल, विदिशा और रायसेन में हल्की बारिश का अनुमान है। लगातार हो रही बारिश से फसल खराब होने की आशंका से किसान चिंतित हैं। इस बारिश से न सिर्फ खेती किसानी प्रभावित होगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुना जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर जैसे जिले शामिल हैं। हम आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश किसानों को बर्बाद कर रही है। किसानों की खरीफ की फसल सोयाबीन बारिश की वजह से बर्बाद हो रही है। सोमवार को मौसम विभाग ने उम्मीद जताई थी कि अगले 24 घंटे में लोगों को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। बारिश को देखते हुए दो कैटेगरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक येलो अलर्ट की एक कैटेगरी में चार जिले थे, जिसमें बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार शामिल थे। इन चारों जिलों में भारी बारिश की चेतावनी थी।